चुड़ैल की अंधी बेटी का दुख। अंधी लड़की चश्मा लगाकर छड़ी लेकर चल रही थी कि पत्थर की ठोकर खाकर गिर जाती है। आह, आह, माँ, मुझे चोट लग गई। काश माँ यहाँ होती। श्रुति के गिरने से उसे पाँव में चोट आ जाती है। तभी एक तेज आंधी में डरावनी चुड़ैल उसके पास आती है और उठाते हुए कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर आप कौन हो? श्रुति के पूछने पर चुड़ैल उसके सिर पर हाथ रख देती है। तभी श्रुति कहती है, माँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी माँ हो, जबकि वो मुझे जन्म देकर चली गई थी, फिर आप वापस कैसे आ सकती हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, बस तुम्हें मैंने एक बार ही गले लगाया था, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। सच में माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही मजबूत एहसास होता है। माँ आप कैसी दिखती हो? मैं तो आपको देख भी नहीं सकती, अंधी जो हूँ, पर महसूस करने से लग रहा है आप बहुत ही प्यारी होगी। अब तो मैं बदसूरत सी दिखती हूँ, चुड़ैल जो बन गई हूँ। गंदे से बाल, लंबे लंबे दांत, लंबे नाखून, पुराने से कपड़े। माँ जैसी भी हो मेरी माँ हो, मैंने आपको याद किया और आप मेरे पास आ गई, मेरे लिए यही काफी है। मैंने आपको बहुत याद किया। माँ पापा बहुत मारते हैं, वो मुझे खाना भी नहीं देते। ठीक है तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, वो भी जादू करके। ये बोलते ही चुड़ैल माँ अपनी अंधी बेटी के लिए जादू से खाना लाकर उसे अपने हाथ से खिलाती है कि तभी उसका पति शंकर अपनी बेटी को देखकर कहता है, अरे नालायक अंधी कहीं की, मैं तुझे इतनी जगह ढूंढ रहा था और तू यहाँ पेड़ के पास बैठी है, छप्पन भोग खा रही है। ये खाना यहाँ पर कैसे आया, बता कहाँ से लाई? वो बाबा, बाबा मुझे यही मिला है। अच्छा तो तू अब मुझे बेवकूफ बनाएगी, ये खाना तो तुझे जादू से बनाया मिल गया ना, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहते ही शंकर उसकी छड़ी से ही उसे मारने लगता है। तभी गुस्से से चुड़ैल कहती है, ये अभी तक सुधरा नहीं है, इसने मुझ पर भी अत्याचार किया था और अब मेरी अंधी बेटी पर अत्याचार कर रहा है, आज तुम मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। आह, आह, माँ, माँ मुझे बचाओ। अब तेरी माँ कभी नहीं आएगी, वो तुझे पैदा करके ही चल बसी, अब मैं ही हूँ जो हूँ और तेरे साथ यही होगा। अंधी कहीं की, जब से पैदा हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही चुड़ैल शंकर को हवा में उठाकर पटकने लगती है और कहती है, जितना तुमने मेरी बेटी को परेशान किया है उतना अब मैं तुम्हें भी परेशान करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कौन है ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हारी पत्नी नंदिनी, तुमने बहुत मेरी बेटी पर अत्याचार किया लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस कैसे आ सकती हो, तुम मर गई थी ना? अपनी बेटी के लिए मुझे आना ही पड़ा। तभी चुड़ैल उसे जमीन पर और पटकने लगती है। माँ माँ आप मत मारो बाबा को। देखा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मारने के लिए मना कर रही है और तुम्हारे हाथ तो अपनी बेटी को मारने से बिल्कुल नहीं कांपते थे। मुझे मत मारो, अरे मुझे दर्द हो रहा है, आ, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ बाबा को माफ कर दो, उन्हें दर्द हो रहा है। श्रुति अपने दर्द के लिए तो इसे एक बार को मैं माफ कर दूं, पर इसने जो तेरे साथ किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। माँ ऐसा क्या किया है बाबा ने आपके साथ? मैं बताती हूँ बेटा, आज से 7 साल पहले जब तू मेरे गर्भ में थी तो मैं कच्ची कैरी बहुत खाती थी, पर इन्होंने मुझे खाते हुए देखा तो मेरे बाल खींच कर बोला, ये क्या, तू ये कच्ची कैरियां खा रही है? अरे लड़की पैदा करना चाहती है क्या? मुझे बेटा चाहिए बेटा, ये सब खाना बंद कर। आ, शंकर जी आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। जरूरी नहीं है कि कैरी खाने से लड़कियां होती हैं, ये तो हर गर्भवती माँ इस समय ये खाती है। अब तू मुझे बताएगी हर चीज, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। ये कहते ही वो सारी कैरी बाहर फेंक देता है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो हमारा पहला बच्चा है,
चाहे लड़की हो या लड़का, है तो हमारा ही, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे लड़का चाहिए तो बस, अगर तेरे लड़की हुई तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तू अभी तक जानती ही नहीं है। ये बोलते ही वो नंदिनी को बहुत मारता है, पीटता है और उसके सातवें महीने में उसे बहुत तेज धक्का मार देता है, जिसके बाद नंदिनी अपना पेट पकड़कर गिर पड़ती है और चिल्लाती है, आह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी गिर गई है क्या? पता नहीं तेरा बच्चा स्वस्थ है भी या नहीं, मुझे जल्दी से तुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जमुनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, ये क्या, आपकी हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बच्चा बड़ी नाजुक हालत में है, अब शायद वो विकलांग भी हो सकता है। क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, बचा लीजिए उसे। माफ कीजिएगा, पर आपको अपना ध्यान बहुत रखने की जरूरत है। नंदिनी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। घर जाकर नंदिनी बहुत एहतियात बरतती है, पर अगले महीने ही नंदिनी की डिलीवरी हो जाती है और उसे लड़की पैदा होती है। तभी डॉक्टर कहता है, बधाई हो, आपको लड़की हुई है, पर जैसा कि पिछले महीने आपकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, तो आपकी बेटी ने अंधा जन्म लिया है, उसकी आंखें खराब है। ये सब उस राक्षस पति की वजह से हुआ है, भूलूंगी नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया है, उसके अत्याचार करने की वजह से आज मेरी बेटी अंधी पैदा हुई है, अगर उसे मेरी बेटी के बारे में पता चला तो वो मुझे और मेरी बेटी को जान से ही मार डालेगा। ये कहते ही नंदिनी अपनी बेटी को गले से लगाती है कि अपने पति के खौफ से दुनिया से चल बसती है। उसके बाद तुम्हारे बाबा नहीं पता नहीं तुम्हें कैसे पाला है, पर एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, इस राक्षस ने तुम पर पहले भी अत्याचार किया था और अब भी किया है। हाँ माँ, बाबा ने कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मारा मुझे, अंधा बोला, किसी चीज में मदद नहीं की, पर कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। अभी माफी मांग लेता हूँ, बाद में जब ये चुड़ैल चली जाएगी ना तो श्रुति को बताऊंगा। अब मुझे माफ कर दो, अब तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सुधर गया हूँ। ठीक है, पर मेरी नजर तुम पर ही है। ये कहते ही चुड़ैल कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन शंकर अपनी बेटी को ट्रक के सामने फेंकना चाहता था, पर उस ट्रक के नीचे खुद ही आ गया, जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। तब उसकी सारी सेवा उसकी अंधी बेटी ने की, समय पर जैसे तैसे खाना बनाकर खिलाया, दवाई खिलाई, घर का काम किया, अपने बाबा को कपड़े पहनाए। तभी श्रुति कहती है, बाबा आपका खाने का समय हो गया है। बेटा तू क्यों तकलीफ कर रही है, मैं अपने आप खा लूंगा, अरे पैर कटे हैं हाथ नहीं, आज मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे मारने जा रहा था और मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब तुम मेरी बेटी को फिर से मारना चाहते थे, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं माँ, बाबा को कुछ मत बोलिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझसे माफी भी मांगी। नंदिनी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं अपनाया, पर आज अपना रहा हूँ, आज के बाद मैं इसे खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा, कभी पहले जैसा सलूक नहीं करूँगा, मैं इसका वचन देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं है, पर अपनी बेटी के लिए यकीन कर रही हूँ और अपनी बेटी तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ, अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। ये कहते ही चुड़ैल हमेशा के लिए अपनी अंधी बेटी को अपने पति के पास छोड़कर चली जाती है। सोने चांदी के बाल वाली चुड़ैल। प्रतापगढ़ नामक एक गांव में बहुत सुंदर सा महल था। दिन के समय तो वो महल बेहद ही खूबसूरत दिखता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो महल एक भूतिया महल में बदल जाता था। ऐसे ही एक रात की बात है, जब उस महल के सामने दो लोग गुजर रहे थे, तभी मोहन रमेश से बोलता है, ये हवेली कई समय से बंद पड़ी है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खजाना होगा, चल चल कर देखते हैं।
हाँ चल चल कर देखते हैं। दोनों ही जैसे महल के अंदर घुसते हैं तो वो महल में दो सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो सोई हुई होती हैं, जिनके बाल सोने और चांदी के थे। जिसे देखकर मोहन बोलता है, ये कैसी बला है, इन लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हैं? चल चोरी छुपे इनके बाल काट लेते हैं, जिसे बेचकर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ तो सही कह रहा है। इतना बोलकर वो दोनों उसके बाल काटने लगते हैं। तभी उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो सुंदर लड़की से एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, मन मारो हमें, जाने दो, जाने दो हमें यहाँ से, माफ कर दो हमें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। तुमने लालच करके बहुत बड़ी गलती की है और गलती की सजा सिर्फ मौत होती है और वो सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल लालची लोगों को मारकर खा जाया करती थी। जो भी उसके महल में लालच के इरादे से जाया करते थे, गांव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और इस वजह से गांव के लोग डरने लगते हैं। तभी एक दिन गांव का बूढ़ा आदमी बोलता है, शायद गांव में गायब हो रहे लोगों के पीछे इस महल का हाथ है, क्योंकि आज तक जो भी इस महल में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया, और पता नहीं क्यों लोग इन सुनहरे बालों वाली के जाल में फंसते जा रहे हैं। जब बूढ़ा आदमी ये सब बोल रहा होता है, तभी वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और बोलता है, आज के बाद से कोई भी इंसान ना ही इस महल में जाएगा और ना ही उसकी तरफ देखेगा। जब गांव के लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वहीं खड़ा विकास और आवेश उनकी बातें सुन रहे थे, जो कि शहर से गांव में घूमने आए थे। और गांव वालों की बातों को सुनकर विकास अपने दोस्त आवेश से बोलता है, यार आवेश, ये जो गांव वाले बोल रहे हैं, क्या तुझे भी वो सब सुनकर सच लग रहा है? क्या सच में आज के टाइम में भी सोने और चांदी के बाल वाली लड़कियां होती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है मुझे उन्हें देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। कैसे भी करके मैं उन्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहता हूँ, पर हम उसे देखें कैसे? लेकिन तूने सुना नहीं कि जो भी उस महल में जाता वो वापस नहीं आता? अब तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। यार मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम रात के समय उस महल में चुपके से जाएं और उन दोनों बहनों को देख लें, और सुबह होने से पहले वापस भी आ जाएंगे, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ यार कह तो बिल्कुल सही रहा है, चल आज रात ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रात हो जाती है तो दोनों दोस्त उस महल में चुपके से जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों महल के अंदर कदम रखते हैं, वो सुंदर महल एक भूतिया महल में बदल जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले होते हैं, जिसे देखकर विकास बोलता है, अरे ये महल तो बाहर से बहुत सुंदर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आए ये खंडहर कैसे बदल गया, इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। विकास ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर दो चुड़ैल आ जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, तुम्हें भी सोने और चांदी के लालच ने खींच कर यहाँ ले आया, चलो अच्छा ही है, इंसान हर बार लालच में आकर गलती कर बैठते हैं और हमारा शिकार बन जाते हैं। दीदी ये इंसानी फितरत होती ही कुछ ऐसी है कि बार बार अपनी लालच के चक्कर में अपनी मौत को गले लगा लेते हैं, पर हमारे लिए तो अच्छा ही है, अब हम इन्हें मार कर अपनी भूख मिटाएंगे। चुड़ैल को अपने सामने देखकर और उनकी बातें सुनकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए विकास उनसे बोलता है, नहीं रुको, हमें मत मारो, जैसे तुम समझ रही हो हम वो नहीं है, हम यहाँ ना तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने आए हैं और ना ही चोरी करने, हम तो बस यहाँ तुम्हारे सुनहरे सोने और चमचमाते चांदी के बाल देखने आए थे, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम वो भी नहीं देखेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, हम यहाँ बस तुम्हें देखने के लिए आए थे, क्योंकि गांव वालों की बातें सुनकर हमें तुम्हें देखने की उत्सुकता हो रही थी। विकास और आवेश की बात सुनकर पहली चुड़ैल उससे कहती है, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले,
अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो बेशक तुम हमें मार दो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। आवेश के इतना कहते ही दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और ईशा कहती है, आज तक हमारे इस महल में लोग सिर्फ सोने चांदी को लूटने के लिए आया करते थे, लेकिन आज पहली बार इस महल में कोई नेक और ईमानदार इंसान आया, और वो तुम दोनों हो, और तुम्हारी इसी ईमानदारी से हम श्राप मुक्त हो गए। इसके लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। कैसा श्राप? ये तुम क्या बोल रही हो? और हमने तुम्हारी कैसे मदद की? क्या तुम हमें बता सकती हो? विकास के पूछे जाने पर ईशा की बड़ी बहन ऐश्वर्या उससे कहती है, हम दोनों बहनें हैं और इस महल की राजकुमारियां हैं। और ये बात कई साल पहले की है। एक दिन वो दोनों बहनें बालकनी में खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही थी, तभी उनकी नजर एक लंगड़ी तपस्वी बाबा पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो दोनों बोलती हैं, जरा उस लंगड़ी तपस्वी बाबा को तो देखो, कैसे वो चल रहे हैं। उनकी चाल किसी बलखाती हुई नागिन की तरह लग रही है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गाने की ताल पर थिरक रहे हों। इतना बोलकर वो दोनों बहुत हंसने लगती हैं। तभी तपस्वी बाबा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं, तुम्हें अपने सौंदर्य और अपने सोने और चांदी के बालों के ऊपर बहुत घमंड है, जिसकी वजह से तुम दोनों मेरा मजाक बना रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये सुंदर रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम दोनों एक भयंकर चुड़ैल बन जाओ। तपस्वी बाबा के इतना बोलते ही दोनों चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं और अपने इस रूप को देख दोनों बहुत रोती हैं और बाबा से माफी मांगने लगती हैं। उन्हें रोता देख बाबा को उन पर तरस आ जाता है और वो बोलते हैं, तुम्हारा ये श्राप उस दिन टूट जाएगा जिस दिन तुम्हें कोई नेक और ईमानदार इंसान मिलेगा, और जब तुम उसे अपना सच बताओगी उस दिन से तुम हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। और आज हम तुम्हें अपना सच बताकर इस श्राप से मुक्त हो गए हैं, अब हम हमेशा के लिए अपने इस रूप में रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहनें विकास और आवेश को खुशी से तोहफे में सोने और चांदी देती हैं और उन्हें वहां से भेज देती हैं। अत्याचारी चुड़ैल बेचारा बच्चा। श्यामानगर गांव में 10 साल का मासूम बिट्टू अपने पिता रमेश और सौतेली माँ कुंती के साथ रहता था, जो अब तक माँ बाप के लाड़ प्यार में पला बड़ा था। लेकिन जब से रमेश दूसरी शादी करके आया था, तब से कुंती ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। वो रमेश के आगे तो लाड़ करती है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे घर का सारा काम करवाती, गलती करने पर मारती और बहुत अत्याचार करती थी। वो मासूम बच्चा कुंती से डरा सहमा रहता था। ऐसे ही एक दिन वो घर की सफाई कर रहा था, तभी बिट्टू से कांच का वॉश टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर कुंती आकर कहती है, नालायक, तोड़ दिया तूने मेरा कीमती कांच का वास, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तेरी, जब देखो आए दिन गलती करता रहता है, आज तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये कहते ही कुंती पास से छड़ी उठाकर बिट्टू को मारने लगती है और मार के कमरे में बंद कर देती है, जहाँ वो रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगा कर कहता है, माँ, अगर आज आप होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। जब से आप गई हो मुझे आपकी बहुत याद आती है, ये वाली मम्मी बहुत मारती है, देखो मेरे हाथ पैरों पर कितनी चोट लगी है। सुबह से शाम हो जाती है, कुंती उसे बिल्कुल खाना नहीं देती और 7 बजे कमरा खोलकर कहती है, बहुत आराम फरमा लिया तूने, चल बाहर आ और रमेश जी के आने से पहले पूरी रसोई को साफ कर दे, अगर उनके सामने तेरी जुबान खुली तो जबान निकाल दूंगी तेरी, समझा? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं बताऊंगा पापा को। बहुत अच्छा, अब उनके आने से पहले जल्दी काम कर। कुंती की बड़ी बड़ी आंखें देखकर बिट्टू रसोई में जाकर काम करने लगता है, लेकिन मार की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता, तभी सब्जियां गिरा देता है। उसी वक्त रमेश भी आ जाता है और कहता है, अरे बिट्टू बेटा, बिट्टू जरा देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, देख तेरा एरोप्लेन लाया हूँ। बिट्टू जल्दी आओ, पापा आपके लिए कुछ लाए हैं,
दोनों की बात सुनकर बिट्टू बाहर आ जाता है तो उसकी मुरझाई हुई शक्ल देखकर रमेश कहता है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? हाँ पापा ठीक हूँ। अरे सुबह से शाम तक बैट बॉल खेल रहा था, इसीलिए थक गया होगा। रमेश हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है तो बिट्टू को बुखार में पाता है। अरे बेटा तुझे तो बुखार है, कुंती जल्दी से इसके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आओ। जी लाती हूँ। ये कहते ही रमेश अपने बेटे को कमरे में ले जाकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता है। 2 घंटे हो जाते हैं। कुंती कहती है, रमेश जी बहुत देर तक आपने पट्टी कर ली, इतने में आराम पड़ जाएगा, अब खाना खा लीजिए। नहीं कुंती, मेरे बेटे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सुबह तक रमेश अपने बेटे के साथ यूं ही रहता है, उसका ख्याल रखता है। कुछ दिन बीतते हैं, सब पहले जैसा ही हो जाता है। कुंती फिर से बिट्टू को टॉर्चर करने लगती है, कभी उसे खाना नहीं देती और कभी उसे पैसे नहीं देती। शाम को आइसक्रीम वाले के आने पर आसपास के सभी बच्चे आइसक्रीम खाते थे, बिट्टू का भी मन करता था लेकिन वो कभी उसे पैसे नहीं दिया करती थी। एक दिन बिट्टू पेड़ के पास बैठकर रो रहा था, तब उसका दोस्त पवन कहता है, अरे बिट्टू तू यहाँ पर रो क्यों रहा है, क्या हुआ और तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? पवन क्या बताऊँ, मेरी दूसरी वाली मम्मी मुझे बहुत मारती है, मुझे खाना नहीं देती, मुझे पापा से बात करने नहीं देती, वो कहती अगर पापा को बताया तो मुझे मार डालेगी। तेरी नई मम्मी तेरे साथ ऐसा करती है? फिर तो उनको सबक सिखाना चाहिए। पता है कन्नू की नई मम्मी भी ऐसी थी, फिर एक दिन उसने अपनी मम्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया तो उसको अच्छा लगा, जब उसकी मम्मी की लगी तो उसने डांटा ही नहीं कन्नू को कभी। मैं भी अब यही करूँगा, फिर वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। अपने दोस्त की बात सुनकर बिट्टू चुपके से सीढ़ियों पर गिराने के लिए तेल फैला देता है, जिसके कुछ देर बाद कुंती आती है। ओ नालायक, तूने झाड़ू पोंछा नहीं किया? आह मेरा पैर! ये कहते ही कुंती सिर के बल गिर जाती है, दीवार का कोना सिर में लगते ही वो मर जाती है। ये देख कर बिट्टू कहता है, अरे ये क्या, इनके सिर से तो बहुत खून निकल रहा है, मैं क्या करूं? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी चोट नहीं लगानी थी, पापा को बुलाता हूँ। बिट्टू रमेश को फोन करके बुलाता है तो उसे कुंती मरी हुई दिखाई देती है और वो कहता है, हे भगवान ये तूने क्या कर डाला, मुझसे मेरी पहली बीवी भी छीन ली और दूसरी भी, क्या तू मेरे छोटे से बेटे को माँ का प्यार नसीब नहीं कराना चाहता? कुछ दिन बीत जाते हैं, रमेश अपने बेटे का खूब ख्याल रखता है। दोनों सो रहे होते हैं कि तभी बिट्टू के पैर से चादर हटने लगती है। बिट्टू सो रहा था कि कुंती चुड़ैल बनकर उसके पास आती है और कहती है, बिट्टू बिट्टू मैं आ गई, तुमने मुझे मारा था ना, अब देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। कुंती उसका गला पकड़ने वाली होती है, इतने में बिट्टू चिल्ला कर उठ जाता है और वो गायब हो जाती है। पापा, 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा। क्या हुआ बेटा, अरे अरे ऐसे डर क्यों गए, सपना देखा क्या बेटा? बाबूजी मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर रमेश से पुचकार कर उसे सुला देता है। अगले दिन जब दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे तब कुंती बिट्टू के पास वाली टेबल पर बैठ जाती है जो सिर्फ उसे दिखाई देती है। वो कांटे की चम्मच से उसके हाथ के आसपास निशान बनाने लगती है और कहती है, तुझे क्या लगा मुझे मार डालेगा और मैं तुझे परेशान करना छोड़ दूंगी? नहीं बिट्टू बेटा, मैं वापस आ गई हूँ, मैं तेरे साथ पहले की तरह ही खेलूंगी, तुझे प्यार करूंगी। नहीं नहीं आप मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ तुझे, किससे बातें कर रहा है बेटा, किसको छोड़ने की कह रहा है, कोई तो नहीं है यहाँ पर बेटा? कुछ नहीं पापा कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ये कहकर बिट्टू अपने कमरे में चला जाता है जहाँ चुड़ैल पहले की तरह उसे छड़ी मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोता है। उनकी चुड़ैल बनकर पहले की तरह उसे परेशान करने लगती है। बिट्टू एक दिन सदमे में था और अपने पापा को देखकर गले लगाकर रोता हुआ कहता है, पापा पापा मुझे बचा लो, नहीं तो मम्मी मुझे मार डालेगी, वो मुझे बहुत परेशान करती है, ये देखो
ये देखो कितना मारा मुझको, वो पहले भी मारती थी और अब भी मारती है। बेटा अब तो वो है ही नहीं, वो कैसे मारेगी? पापा, पापा वो मारती है, अभी भी बहुत डरावनी है, वो चुड़ैल की तरह, बिल्कुल मेरा विश्वास करो पापा। बेटा बेटा शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा बेटा, शांत हो जाओ। रमेश अपने बच्चे की ये हालत देख नहीं पाता, इसलिए वो पता करने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है, जहां वो तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लेता है। उसे घेरे में देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुंती, तुम सच में मेरे बेटे को परेशान कर रही थी? उस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे तुम्हारा बेटा पसंद ही नहीं था, तुम्हारे आगे मैं उसे जबरदस्ती का लाड करती थी, मुझे अपना बच्चा चाहिए था जो कि तुमने होने नहीं दिया, और इसे मैं अपना बेटा मान नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने उसे बहुत मारा, मेरे अत्याचार का इसने मुझसे बदला लिया, तुम्हारे बेटे ने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मार डाला, अब मैं उसे बहुत परेशान करती हूँ। कुछ कहना था तो मुझे कहती, मेरे बच्चे पर इतने सितम क्यों किए तुमने? मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगी, तांत्रिक बाबा आप ही इसका कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, ओम ईम क्लीम चामुंडाए विचे नमः। तांत्रिक उसे अपने कठोर मंत्रों से उसका विनाश कर देता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाती है। सिर्फ गोलगप्पे खाने वाली बहू। चारों ओर शादी का माहौल छाया हुआ था, फूलों लड़ियों की साज बाज की चमक पूरे घराने को चकाचौंध कर रही थी। बारातियों के भीड़ के बीच दुल्हन के जोड़े में खड़ी गौरी अपने पति प्रणव के साथ फोटो खिंचवाते हुए मन में कहती है, ये बारातियों का जमावाड़ा जाने कब मुझे अकेला छोड़ेगा, मेरी मनपसंद गोलगप्पे की गूंज कब से मुझको अपने पास बुला रही है। बारातियों की भीड़ घंटों गौरी को घेरे हुए थी, जिसे देख उसकी सास सुधा कहती है, अरे ये सारे के सारे वेटर जाने कौन से थिएटर में लगे पड़े हैं, जल्दी से दुल्हा दुल्हन के खाने की मेज लगाओ। थोड़ी ही देर में खाने की मेज सज धज कर तैयार हो जाती है। सुधा, प्रणव और गौरी एक साथ मेज पर बैठ जाते हैं। फिर सुधा कहती है, बहू तू इतनी शांत सपाट क्यों बैठी है, तेरी शर्मीली सूरत देखकर लग रहा है जैसे तू शर्मा रही है, अरे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं। अरे सासू माँ, शर्म तो आज तक मेरी सैंडली भी नहीं की, तो भला मैं क्यों करने लगी। फिर इतने गौर से तेरी निगाह आखिर क्या तलाश रही है। गोल गोल गोलगप्पे, सासू माँ गौरी सिर्फ तीखे मसालेदार गोलगप्पों की दीवानी है। अच्छा तो तू अपना गोलगप्पे खाकर ही गीला करेगी गला, अरे कोई गोलगप्पे परोसो मेरी बहू को। मेज पर गोलगप्पे आए, अभी एक मिनट ही नहीं हुआ था कि गोलगप्पे खाने की शौकीन गौरी उन पर टूट पड़ती है और कहती है, वाह वाह क्या तीखी गोलगप्पे थी, मजा ही आ गया, और उसका खट्टा चटाकेदार पानी तो लाजवाब था। विदाई के बाद गौरी अपने पति प्रणव के संग ससुराल आती है, जहां सुधा उसकी आरती उतार कर कहती है, ससुराल में तेरा स्वागत है बहू, कलश को दाहिना कदम लगाकर भीतर प्रवेश कर। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहां प्रणव शायराना अंदाज में कहता है, कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, तू मेरा गुलाब जामुन और मैं तेरी चाशनी बन जाऊं। प्रणव आपको पता है ना मुझे मीठा नहीं पसंद, इसलिए अपनी ये स्वीट शायरी बंद कीजिए, मैं आपकी शुगर शायरी सुनकर अपनी गोलगप्पे के स्वाद को गवाना नहीं चाहती, गुड नाइट। ये बोलकर गौरी सो जाती है और प्रणव खुद से कहता है, अरे हाय रे फूटी किस्मत, मेरी मधुर शायरी ने मेरे सारे सपनों को अर्श से फर्श पर पटक दिया, सो जा प्रणव, पछताने से कोई फायदा नहीं। अगली सुबह 12 बज गए हैं, मैं इतनी देर दोपहर तक कैसे सो सकती हूँ। सुधा झटपट से नहा धोकर नीचे आती है, जहाँ रसोई घर एकदम उदास पड़ा हुआ था और गौरी सोफे पर पसरी हुई गोलगप्पे खा रही थी। गौरी बहू आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू बैठी बैठी गोलगप्पे के मजे लूट रही है। माँ जी क्या है ना, खाना पकाना तो मुझे आता ही नहीं,
तो रसोई घर का रुक करके भी मैं कौन से झंडे गाड़ लेती, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ, इसीलिए तूने सोचा कि क्यों ना गाय भैंस की तरह गोलगप्पे की जुगाली हो जाए। वैसे ये गोलगप्पे आए कहाँ से? वो एकाएक गली में गोलगप्पे का ठेला आ गया तो मैंने इन्हें खरीद लिया। मेरे पेट भरने का जुगाड़ हो गया माजी। जरूर वो कम्पक्त गोलगप्पे वाला गुलजार होगा। उस मुए को भी इसी गली से गुजरना होता है जहाँ मेरा घर है। माँ, ये आप दोनों ने सवेरे सवेरे सास बहू और साजिश की प्रदर्शनी करने की ठान ली है। अरे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दो। सुधा नाश्ता बनाकर अपने बेटे प्रणव को परोस देती है, तभी गौरी अपने कमरे का रुख करती है और सुधा से कहती है, अरे कहाँ जा रही है तू, नाश्ता नहीं करेगी? ओफो सासुमा, ये फीका बेस्वाद खाना खाकर मेरे मुँह का स्वाद बिगड़ जाएगा। अभी मैंने भर पेट गोलगप्पे खाए हैं, वैसे भी गौरी तो सिर्फ गोलगप्पे की दीवानी है। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत परवान चढ़ जाती है। वो कभी हाट बाजार में गोलगप्पे खाया करती तो कभी गली में गोलगप्पे वाले को आता देख उनसे गोलगप्पे खरीद कर पेट भर लिया करती। ये देख सुधा उसे टोकते हुए कहती है, अरे गौरी बहू, इन गोलगप्पे के आगे तुझे घर का खाना जरा भी नहीं सुहाता। इतना तीखा खट्टा सेवन करना सेहत के खातिर खतरा है। माँ जी, मेरे गोलगप्पे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप गौरी और उसके गोलगप्पे के बीच में ना आएं। इन गोलगप्पों के पीछे तेरा पेट पहाड़ हो चुका है, मगर एक दिन तुझे पछताना ना पड़े तो मैं भी तेरी सास नहीं। एक दिन प्रणव दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, अरे प्रणव बेटा, आज तू बड़े ही सवेरे घर लौट आया। हाँ माँ, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था। अरे एक काम कर, बहू को संग ले जाकर बाजार से कुछ साग सब्जी ले आ, मेरा मन कुछ ठीक नहीं। गौरी प्रणव के साथ बाइक पर बैठकर बाजार आ जाती है, जहाँ उसके कानों में गोलगप्पों की गूंज सुनाई देती है। गोलगप्पे खा लो, तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ, तरो ताजा हो जाओ, आ गया एकदम सस्ता गुलजारी गोलगप्पा। गौरी प्रणव का हाथ पकड़े गोलगप्पे वाले के पास आती है। अरे आओ आओ भौजाई, कहो गुलजार गोलगप्पे के पास तुम्हारा स्वागत है। अरे जरा जल्दी से एकदम तीखा रसीला गोलगप्पा खिला दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गुलजार एक एक करके गौरी को प्लेट में तीखे गोलगप्पे परोसता है और गौरी कहती है, ओह आई एम सॉरी प्रणव, अब से अकेले ही गोलगप्पे खाए जा रही हूँ, तुम्हें पूछना तो भूल ही गई मैं। ये गोलगप्पे तुम ही खाओ, मुझे जंक फूड की आदत नहीं है। अरे एक बार खा के तो देखो। प्रणव को आनाकानी करता देख गुलजार गोलगप्पे वाला कहता है, अरे खा लो भाई, गोलगप्पे का नशा तो सभी पर छा जाता है और अगर तीखा हो तो मजा ही आ जाता है। गौरी के कहने पर प्रणव गोलगप्पे खा लेता है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटते हैं, जहां सुधा कहती है, अरे तुम दोनों खाली हाथ झोला लिए क्यों चले आ रहे हो? साग सब्जी लाने को बाजार भेजा था ना, और प्रणव तू इतना सिसक क्यों रहा है? वो माजी, आज उन्होंने गोलगप्पे खाए हैं इसीलिए। अरे तुझे इन गोलगप्पों के सिवाय कुछ और सोचता नहीं क्या? देख बेचारे की सिसकियां बंद नहीं हो रही। अगली सुबह प्रणव के पेट में जोरों की गुड़ गुड़ और उठती है और वो पेट पकड़े बाथरूम की तरफ दौड़ता है। तभी गौरी दरवाजा पीट कर कहती है, प्रणव प्लीज दरवाजा खोलो प्रणव। अरे तुमने कहा था ना मुझे गोलगप्पे खाने के लिए, तुम्हारे कारण मेरी हालत पतली हो गई है। अरे ये सारा प्रवचन बाहर आकर सुनाना, अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो यही रायता फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे गोलगप्पे में मिले मिर्च मसाले के कारण हो रहा है, जहाँ गोलगप्पे देखती नहीं कि कूद पड़ती है। प्रणव के पेट की बिगड़ी हालत तेरे गोलगप्पे के कारण है, सवेरे से सैकड़ों चक्कर लगा लिया है तुम दोनों ने। मैं तो कहती हूँ ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इस घर की जगह ये शौचालय तेरे ससुराल बन गया हो। एक तो मेरे पेट से परेशान हूँ मैं, ऊपर से ये ओल्ड लेडी सासुमा की बकैती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सुधा के घरेलू उपचार से प्रणव का पेट तो ठीक हो जाता है, मगर गौरी के पेट की समस्या बिगड़ती चली जाती है। एक सवेरे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सुधा भागकर उसके पास आती है। प्रणव और सुधा गौरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसकी जाँच पड़ताल करता है। तब गौरी बेहोशी से बाहर आती है। मिसेज प्रणव भारद्वाज, ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन से आपके लिवर में सूजन आ चुकी है, इसलिए आपको बाहरी खान पान का पूरा परहेज करना होगा।
डॉक्टर के बाद गौरी को सुधा समझाते हुए कहती है, देख ले बहू, तेरे गोलगप्पे ने आज तुझे अस्पताल में लाकर पटक दिया। अरे गोलगप्पे मोमो टोमो कभी कभार चल जाते हैं, मगर हमेशा नहीं बहू। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी लाख समझाने के बावजूद भी मैंने अपनी मनमानी की, आगे से मैं फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तकरीबन एक सप्ताह के बाद गौरी घर आ जाती है और सेहत संभालने के बाद वो चाव के साथ अपनी सास से खाना बनाना भी सीख जाती है और गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत घर के खाने में पूरी तौर से तब्दील हो जाती है। पांच प्रेग्नेंट रानियों के जादुई बच्चे। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूं, प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी हम पांच रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी हम पांचों रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी पांचों पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश पांचों रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ पांचों रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम पांचों में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं, कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। पांचों रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोल कर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी पांचों रानियों को खिलाना, ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन एक सप्ताह के बाद पांचों रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो पांचों हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी पांचों रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम पांचों ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी पांचों रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर पांचों रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं, काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। पांचों रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं।
उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थी। पांचों को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा पांचों रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती है। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद, अपराजिता साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं। चंद्रलेखा क्या तुम्हें स्मरण नहीं हम पांचों रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। पांचों रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया। उसी पल रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है, जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है, जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी 4थी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोक कर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है, मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही, भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है, ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है, लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ है। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पलछिन में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5 जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं।